हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ट्रेन में सफर करते हुए एल्कोहल या शराब को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, क्या रेलवे अलाउ करती है इस तरह के चीजों को अपने साथ ले जाना, अगर करती है तो उसके क्या क्या प्रोसेस है, सारी बातों को जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ट्रेन में सफर करने के दौरान रेलवे के रूल के मुताबिक बहुत सारी चीजों को अपने साथ ले जाने की पाबंदी है। आमतौर पर रेलवे में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि शराब भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए इसे आप एक बड़ी मात्रा में अपने साथ नहीं ले जा सकते। 2006 में रेलवे का एक रूल रिवाइज्ड हुआ था जिसे बैगेज रूल बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन 2 लीटर एल्कोहल की सील्ड बोतल अपने साथ ले जा सकता है। अगर आप एक बड़ी मात्रा में शराब को अपने साथ ट्रेन में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट होना जरूरी है, लेकिन यह इंटर स्टेट में ही पॉसिबल है। इसे आप किसी अदर स्टेट जैसे कि बिहार गुजरात में नहीं ले जा सकते, अदरवाइज आपके ऊपर वहाँ की लोकल रूल लागू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप शराब को ट्रेन में पी नहीं सकते हैं। रेलवे अधिनियम 1989 में धारा 145 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में किसी उपद्रव या अत्याचार या आपत्तिजनक या अश्लील भाषा का उपयोग करता है या रेलवे के द्वारा दी जाने वाली किसी सुविधा का हस्तक्षेप करता है तो उसे तुरंत ट्रेन से बाहर निकालकर उसके ऊपर 500 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है, बशर्ते अदालत में उसका दोष साबित हो जाए। दोस्तों, जो लोग डिफेंस में है उनको शराब ले जाने की अनुमति है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ही। इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि ट्रेन में शराब को ले जाना अलाउ है कि नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।